भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी तानाशाह सरकार ने आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को परेशान करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे केस लगाए, उन झूठे केस में रेड पे रेड करी, रेड पर रेड करी, एक रुपया भी भ्रष्टाचार का उन्हें नहीं मिला, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। ऐसी गिरफ्तारियां हमें स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती हैं। उस समय में भी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे उनको भी झूठे मुकदमों के तहत जेल में डाला जाता था। जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे, लाला लाजपत राय जी जेल में रहे, महात्मा गांधी जेल में रहे, हर तानाशाह अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को चुप करने के लिए जेल में डालने की कोशिश करता है। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि अपनी इस तानाशाही से आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे, दबा देंगे, लेकिन उनकी हर संभव कोशिश के बाद भी आम आदमी पार्टी दबी नहीं, आम आदमी पार्टी टूटी नहीं। और आखिरकार मनीष सिसोदिया जी के जेल में 17 महीने होने के बाद भी जीत आखिरकार सच्चाई की हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मनीष सिसोदिया जी बाहर आए। आज इस सच्चाई की जीत के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी एक कैंपेन सत्यमेव जयते का डीपी कैंपेन शुरू कर रही है। आज से आम आदमी पार्टी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, सत्यमेव जयते के डीपी कैंपेन की शुरुआत हो रही है। हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि वो हमें कितना भी परेशान कर लें, वो हमें तोड़ नहीं सकते। वो कितने समय भी हमारे नेताओं को जेल में डाल लें, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की ही होती है।